अगर कोई हमसे पूछे समन संघ का विचार क्या है तो हम उसको स्टेट लाइन में एक एक लाइन में कह सकते हैं कि हमारे पास कोई विचार कोई भाषण देने के लिए नहीं है तो वो कहेगा कि जब आपके पास विचार नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं बिना विचार से तो कोई बात बनती नहीं बिना विचारे कोई बात चलती नहीं जितने भी संगठन हैं जितने भी संस्थाएं हैं समणों की या वमणों की या दुनिया में वो सभी विचार रखते हैं जितने भी लोग हैं वो सब विचार रखते हैं तो हम उनसे ये पूछते हैं कि समणों के जो उनतीस लाख ,00 संगठन हैं क्या उनके विचार एक से हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है वो भ्रमित हो जाता है और रटी रटाई बात पे एक साथ कह देता है हाँ जी सबके विचार एक से हैं सबके विचार एक से हैं फिर हम उससे पूछते हैं कि सबका विचार एक सा है तो वो विचार क्या है बहुत ज़्यादा अगर समझदार होगा तो चुप हो जाएगा पर जो रटा रटाया होगा वो कहेगा वही जो हमारे महापुरुषों के हैं जो साहू के फूले के अम्बेडकर के या जो उसका वंदना करने वाला उपास्य है जिसकी वो प्रार्थना करता है जिसको वो मानता है उसके विचार वो विचार हैं ऐसा बोलेगा फिर हम आगे उससे पूछते हैं कि उनका क्या विचार है जितने नाम आपने लिए हैं उनका क्या विचार है तो वो जवाब देने के बजाय चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है आपको इतना नहीं पता आप इतना नहीं जानते बूढ़े हो गए मरने को तैयार हो समण संघ में काम करते हो आपको ये नहीं पता है कि उनके विचार क्या हैं तो हम बड़े नम्र स्वर में कहते हैं कि भाई नहीं पता है आप बता दो तो वो और उग्र होता है कहता है आप तो नाटक कर रहे हो आप तो बड़े नौटंकीवाज़ हो आपका तो जवाब नहीं आप तो फलाने नेता से भी ज़्यादा नाटक करते हो फलाने आदमी से भी ज़्यादा करते हो हम फिर नम्र बने रहते हैं पर मुस्कुराते नहीं हैं क्योंकि पता है कि मुस्कुराते ही वो और उग्र हो जाएगा और वो बात ना बता के कहीं और पहुंचेगा तो हम कहते हैं भाई हमको सच में नहीं पता कि उन महापुरुषों का क्या विचार है उनतीस लाख संगठनों का क्या विचार है इतने सारे भंते भिक्कू संत ये लोग हैं इनका क्या विचार है इतने सारे जो सरकारी संगठन हैं उनका क्या विचार है आप हमें बताओ और जब आप ये कहते हो कि सबका एक विचार है तो उस एक विचार को तो बताओ जिसके लिए आप लड़ रहे हो जिसके आप पदाधिकारी हो जिसके लिए आपने पूरी ज़िंदगी चंदा दिया जो आपको उम्मीदें देता है जो आपको सपने दिखाता है जो आपको कभी लोकसभा में पहुंचाता है कभी राज्यसभा में पहुंचाता है कभी आपको पूरे भारत को धार्मिक कर देता है कभी धम्मिक कर देता है कभी आपको सरकारी नौकरियाँ दिखा देता है कभी कुछ दिखाता है वो विचार हमें बताओ हमें नहीं हमें नहीं पता हमने कहीं लिखित में पढ़ा भी नहीं है आप लिखित में दे दो हमको तो या तो वो मैदान को छोड़ देता है और या फिर मैदान में शामिल हो जाता है क्योंकि विचार आप ढूंढोगे और विचार खंगालोगे तो आपको विचार नहीं मिलेगा जो वो एक विचार है और कोई अगर कहेगा भी तो कहेगा सबको साथ रहना है सबको इकट्ठा रहना है भाईचारा करना है या दो चार बातें बताएगा जो नैतिकता की है चोरी नहीं करनी है चकारी नहीं करनी है पाप नहीं करना है वो इंडिजल बातें हैं जो व्यक्ति को शुद्ध करती हैं अब हम मना नहीं कर सकते कि ये बातें खराब हैं या ये बातें किसी आचरण में या विशेष आचरण जिसको विचार बोलते हैं विशेष चर्या में विशेष चर में विशेष चार में जिसके विचार बना हुआ है उसमें नहीं आती हैं आती हैं बिल्कुल आती हैं तो हम उससे पूछते हैं कि अगर यही विचार है तेरा और यही उनतीस लाख संगठनों का विचार है और यही सारे संतों का सारे भिक्षुओं का सारे लोगों का सारे नेताओं का सारे सामाजिक संगठनों का सारी वाम सेफ का सारी समता संग दल का सारा जितने भी लड़कों के दल बल हैं उनका जितने भी ऑफिस में लोग काम करें उनका अगर यही विचार है तो फिर क्या आप उस विचार पर चलते नहीं यह खाली विचार भाषण देने के लिए हैं और लोगों को धमकाने के लिए हैं और चंदा लेने के लिए हैं? क्या कहेगा अगर विचार पे चलते हो तो तुम साथ साथ कहां रहते हो फिर तुम अपने जीवन में आचरण क्यों नहीं लेके आते <स्थ> फिर तुम उस विचार को क्यों नहीं जीवन में ढालते तो तुम सारे एक से क्यों नहीं हो और अगर मन करेगा तो ये बात प्रूव होती है कि सबके विचार अलग अलग हैं कहने के कुछ और करने के कुछ और मन के कुछ और सबके अलग अलग हैं और एक परिवार के अंदर जो परिवार में बेटा बेटी बहू दामाद ससुर सास माँ बाप पोता पोती जो भी होते हैं नाती नाती उन सबके भी विचार भिन्न भिन्न होते हैं अलग अलग होते हैं पर परिवार एक होता है किसी भी परिवार में सबका विचार एक सा नहीं मिलेगा क्योंकि सबकी उम्र का डिफरेंस है सबके काम करने का तले जो तरीका है वो अलग अलग है और सब अलग अलग तरीके से स्वतंत्र रूप से सोचते हैं तो कॉमन विचार नहीं मिलेगा कॉमन पहचान मिल सकती है और अगर वो कॉमन विचार अगर बनाते भी हैं तो एक मकसद के लिए उसके लिए जिसमें सबको फ़ायदा होता है उस समय तक के लिए बस ये सबका नुकसान हो उस विचार को छोड़ देते हैं उस समय तक के लिए घर से बाहर निकलते ही सबके अलग अलग सोच हो जाती है जितने भी सामाजिक संगठन हैं समणों के वो सब अलग अलग विचार पर चलते हैं उनका एक सा विचार नहीं अगर एक सा विचार होता तो वो एक होते जितने भी संतों के चेले संतों के ठेले संतों के मठ संतों के आश्रम उन सबके चलाने वालों के विचार अलग अलग हैं उनके व्यवहार भी अलग अलग हैं उनके पहनावे भी अलग अलग हैं अगर एक से होते तो सब एक होते इसलिए कोई ये कहे कि सबका विचार एक है झूठ बोलता है हमको कन्विंस कर रहा है हम पे दादागिरी करने के लिए कर रहा है ऐसा नहीं है इसलिए समन क्या विचार दे आपको कौन सा विचार दे विचार तो चल नहीं रहा यहां और विचार अगर देता भी है समन तो वही महापुरुषों का है और उस पर चलने की कोशिश करता है इसलिए हम विचार नहीं देते कह देते महापुरुषों की बात हमारी बात बस तो हम क्या देते हैं समन क्या देता है एक वेटनरी के डिपार्टमेंट में काम करने वाले हरियाणा गवर्नमेंट में सज्जन थे नाम मुझे उनका ओरिजिनल पता नहीं क्या है क्या नहीं उस समय याद था अभी याद नहीं बीस पच्चीस साल पुरानी बात है दो हजार छः में आस पास में हमने एक गोल्डन जुबली धम दीक्षा कार्यक्रम किया था रामना मैदान में बहुत बड़ा कुछ अफसरों के साथ मिल के उसमें वो सहा ऑडिटोरियम के अंदर पीछे बैठे हुए थे तब उनके मूछ मूछ हुआ करती थी धम का काम था हरियाणा से थे वो उसके बाद उन्होंने धम्म को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और भिक्कू बन गए वो भिक्कू कब बने कैसे बने उनकी कोई जीवनचर्या हमारे पास तक आज तक पहुंची नहीं अभी उनको डॉक्टर के के राहुल के नाम से जानते हैं हरियाणा में पलवल में उन्होंने कुछ जगह वगैरह बड़ी मेहनत करके बनाई है और बेसिक जो धम्म है वो सिखाते हैं हरियाणा के लोगों खास तौर से बेसिक धम्म मतलब क्या है बेसिक धम्म दिवाली नहीं माननी है दशहरा नहीं मानना है गंडा ताबीज़ नहीं पहनना है अंगूठी नहीं पहननी है धागा नहीं बांधना है ये इस तरह की जो मतलब बेसिक एक बहुत पुराने समय में 60-70 साल पहले से जहां हमारी शुरुआत हुई थी मूवमेंट की तब तक हमें जानकारी नहीं थी कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम संखतिक कार्यक्रम या जो कल्चरल कार्यक्रम है ये भी हमारे ही हैं पर वो बेसिक सिखाते हैं बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिसको बेसिक भी पता नहीं है उसको बेसिक की जानकारी तो हो कम से कम बुद्ध की बातें बताते हैं कुछ बुद्ध ने ऐसा कुछ उसमें क्योंकि सिखाना होता है तो कुछ मिर्च मसाला भी लगा देते हैं लगाना चाहिए क्योंकि लोगों में एक रुझान बना रहता है बातें बाद में ठीक हो जाएंगी मिर्च मसाले बाद में निकल जाएंगे पर बात रह जाएगी पर लोगों को चाहिए चटपटा तो उनको देते हैं वो तो वो कार्यक्रम लगाते हैं तो कार्यक्रम लगाने के दौरान में उन्होंने हमसे भी संपर्क किया हमने उनको बुलाया भी था पर आप इस बात को मानना यहाँ 162 सिक्सटी संघी बैठे हुए हैं कि जो समन संघ के पोर्टल पे हम लोग डिस्कस करते हैं दिन रात दिन रात वो अब तक का भारत का सबसे बेस्ट कार्यक्रम है यानी वो जो विचार निकल के आता है वो सबसे लेटेस्ट है और सबसे उत्तम है और सबसे बढ़िया है और जो कार्य प्रणाली निकल के आती है वो सबसे उत्तम है सबसे बढ़िया है इस कार्य प्रणाली को बहुत लोगों ने अपनाया है और अपना रहे हैं वो ये सोच के कि अगर समर संघ इतना आगे जा रहा है तो हम भी अपनाएं तो वैसी कार्यप्रणाली उन्होंने अपनाई और डेढ़ डेढ़ हज़ार रुपये लेके वो कहीं बौद्धों की पहचान के लिए कोई कार्यक्रम लगा रहे हैं हमारे परिहार सर ने कहा कि आप वहाँ जाइए क्योंकि मैं कनाडा गया हुआ हूँ तो मैंने उनको फ़ोन किया मैंने उनसे कहा भनते मैं पहचानते अच्छी तरह कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 20-25 साल पुराना ज़्यादा नहीं जानता कोई जीवनी नहीं जानता मैं क्योंकि जीवनी कोई बताता नहीं तो मैंने उनको बताया कि परिहार सर नहीं है वो गोवा वो कनाडा में है इसलिए मुझे आना है आप मुझे बताएं कि कार्यक्रम क्या है ताकि मैं तैयारी करके आऊं तो कहने लगे हम आपसे क्या मतलब आपका हम परिहार सर को बता परिहार जी को बताएंगे उनका मतलब है मैंने कहा वो नहीं आ सकते हैं वो कनाडा में है मुझे आना है इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है मैं आऊँगा मैं तो इसलिए आप मेरे को कार्यक्रम के बारे में बताएं क्या कार्यक्रम एजेंडा क्या है कह रहे आपसे कोई मतलब नहीं है हम उनको बता देंगे आप उनसे पूछ लीजिए मैंने कहा उनको नहीं पता है तो मैं पूछ रहा हूँ ये बात स्पीकर फोन पे विशेष आनंद जी की मौजूदगी में हुई है मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ कि कल को कोई कहे कि मैंने अपनी तरफ से बोल दिया ऐसा नहीं है हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि हमारे करेक्टर में रिकॉर्डिंग नहीं आती हम जीवन में कभी किसी की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते पर वही बात बताते हैं जो बात होती है तो मैंने कहा जी कि मुझे आना है और वहाँ उन्होंने कहा है तो इसलिए मुझे आना है आप बताइए कह रहे नहीं वो बौद्धों तो का कार्यक्रम है उसे बौद्ध आ सकते हैं तो मैंने कहा अच्छी बात है जी बौद्ध आने का कार्यक्रम है बौद्ध आएंगे तो मैं आऊँगा कह रहे ये तो हम बताएंगे कि बौद्ध कौन है तो मैंने कहा अच्छी बात है आप बता दीजिए बौद्ध कौन है तो मुझे बता दीजिए क्या मैं बौद्ध हूँ या नहीं हूँ कह रहे हमें क्या पता ये तो आप जानो मैंने कहा अभी आपने कहा कि आप बताएंगे बौद्ध है नहीं है अब आप कह रहे कि आप जानो तो डिसाइड कौन करेगा फिर मैंने उनसे पूछा कि भंते ये कार्यक्रम प्राइवेट है यह पब्लिक का है इसमें पिक एंड चूज हो रहा है क्या क्या आप जिसको बुलाना चाहेंगे वो आएगा जो नहीं बुलाना चाहेंगे वो नहीं आएंगे कह रहे नहीं हम जिसको बोल रहे हैं वही आएगा जिसको हम बुलाना चाहते हैं वही आएगा तो मैंने कहा भंते जी इसका मतलब ये है कि मैं नहीं आ सकता कह रहे आप हमारा पीए आपको फ़ोन कर देगा आप हमारे पीए से बात कर लें अच्छा पीए हुए से बात कर लेंगे जी हम वो तो पीए का फ़ोन तो अभी तक आया नहीं फिर बाद में मैंने जानकारी और प्राप्त की तो पता चला कि वो बौद्धों की पहचान के लिए कुछ वहाँ नियम बनाने वाले हैं बौद्धों की पहचान कि ताकि बौद्ध अलग से पहचाने जाएं ये जिक्र मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग और भी बहुत लोग हैं जो बौद्धों को एक पहचान देते हैं उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं या उनकी कोई आचार संहिता बनाने की कोशिश करते हैं सवाल यह है कि उसको मान्यता कौन देगा क्योंकि भिक्खु संघ इसको मान्यता दे सकता है क्योंकि भिक्खु संघ से बहुत चलता है और भिक्खु संघ अगर होगा नहीं वहां और पूरे भारत का ऑल इंडिया का भिक्खु संघ नहीं होगा तो मान्यता नहीं प्राप्त होती ये अलग विषय है पर बात यह है कि वह बौद्धों की पहचान के लिए बात कर रहे हैं तो मेरा दिमाग घूम गया कि बौद्ध बौद्ध रही है तो और कौन सी पहचान के लिए लड़ रहा है हमें अपनी धार्मिक पहचान चाहिए या हमें अपनी सामाजिक पहचान चाहिए हम जा कहां रहे हैं आपकी धार्मिक पहचान आपकी धार्मिक मान्यता से ऑटोमेटिक मिल जाती है उसमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है भारत के संविधान में आप सुबह को जैन बन सकते हैं दो घंटे बाद मुस्लिम बन सकते हैं दो घंटे बाद क्रिश्चियन बन, बन सकते हैं दो घंटे बाद हिंदू बन सकते हैं दो घंटे बाद सतनामी बन सकते हैं दो घंटे बाद रविदासी बन सकते हैं दो घंटे बाद कबीरपंथी बन सकते हैं दो घंटे बाद आप गुरु हजन ठाक ठाकुर के मतुआ बन सकते हैं दो घंटे बाद आप गुरु घासी राम जी के सतना भी बन सकते हैं आप रोज दिन में बीस बार अपना मत बदल सकते हैं भारत का संविधान भी कहता है और सारे मत भी कहते हैं वो आपकी धार्मिक पहचान है तो धार्मिक पहचान से क्या भला होने वाला है ये सवाल है भंते जी वहाँ बौद्धों को पहचान दे रहे हैं या कोई व्यक्ति बौद्धों की पहचान देता है या कोई रविदासियों की पहचान देता है या कोई गाड के साहब की पहचान देता है या कोई कबीर साहब की पहचान देता है या कोई सतरामी की पहचान देता है या कोई जो वहाँ मतवा लोग हैं उनकी पहचान देता है या कोई अम्बेडकर की पहचान देता है या कोई काशीराम जी की पहचान दे देता है या कोई बौद्ध की तो क्या इस धार्मिक पहचान से या इस व्यक्तिगत पहचान से आपका कोई भला होने वाला है आज के सीन में जबकि आपको आज संविधान साफ साफ बता रहा है कि जिसकी संख्या आधे से ज़्यादा उसकी सरकार उसके पास सारा बजट वहाँ कौन आपका धर्म पूछ रहा है वहाँ कौन आपकी धार्मिक पहचान पूछ रहा है वहाँ कौन आपकी धार्मिक मान्यता को पूछ रहा है समझ में नहीं आता कि आप आज यहां खड़े हो या छब्बीस साल पहले जा रहे हो या पंद्रह साल पहले जा रहे हो तो कैसे भला करोगे जब राइट आपको संविधान से मिलते हैं और संविधान में वो लोग जो कल तक आपस में लड़ रहे थे पर संविधान के राइट लेने के लिए आज दोस्त हो गए जो छः दिन पहले तक एक दूसरे के ऊपर तीर कमान चला रहे थे और एक दूसरे के वक्तव्य दे रहे थे युद्ध था युद्ध में सब जायज है वो आज अपने अधिकार को या अधिकार विशेष उन्हीं के पास रहे उसके लिए वो मिल रहे हैं गले मिल रहे हैं अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं अपने जनबल को बढ़ा रहे हैं अपने बहुमत को बढ़ा रहे हैं और दो की संख्या को पहुंचा रहे हैं तो भाई आप एक छोटी सी धार्मिक पहचान लेके कौन सा अधिकार प्राप्त कर लोगे ये आज के विषय में इंपॉर्टेंट उनके लिए हैं जो समर समाज में धार्मिक काम कर रहे हैं और वो धार्मिक काम भी नहीं कर रहे हैं अगर वो धार्मिक काम करते तो सारे बुद्धिस्ट लोग एक होते और सारे बुद्धिस्ट लोग एक नहीं है इसका मतलब धार्मिक काम नहीं है अगर धम का काम होता धार्मिक काम होता रिलीजियस काम होता तो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट एक होते रविदासी रविदासी एक होते सारे कबीरपंथी एक होते सारे अंबेडकरवादी एक होते सारे काशीरामवादी एक होते सारे संविधानवादी एक होते सारे जितने भी सतनामी लोग एक होते इनके अलग अलग डेरे नहीं होते अभी तो बहुत सारे पंथ हैं बहुत सारे मत हैं तो धार्मिक इकट्ठा करने के लिए या धर्म को बढ़ाने के लिए या धर्म में व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए क्योंकि धर्म जो होता है धर्म जो धम्म होता है या धर्म होता है या मत होता है वो व्यक्ति के शुद्धिकरण के लिए होता है सामाजिक शुद्धिकरण उसमें आ जाती है पर अधिकार नहीं मिलते अधिकार संख्या बल से मिलते हैं तो काम तो नाम तो ले रहे हैं कि हम धम्म का मत का काम कर रहे हैं पर निशाना जो है वो संख्या बल है ऐसे काम मत ऐसे काम नहीं होना चाहिए एक और सज्जन हैं जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नाम से काम करते हैं पर वो काम करते हैं पॉलिटिक्स का भाई अगर तुम धर्म का काम करते हो भारतीय बौद्ध महासभा भी धर्म का काम करती है और भी जो धार्मिक संस्था वो काम करती हैं भंते जी इधर वाले वो भी काम करते हैं चंदीमा भंते जी भी काम करते हैं जो भंते इधर हैं एक मैं नाम भूल गया उधर इटावा की तरफ हैं उनका कुछ ऐसे नाम है याद नहीं आ रहा मुझे अगर ये सारे भंते धम का काम कर रहे हैं तो एक क्यों नहीं है और अलग अलग क्यों उन्होंने दरबार खोले हुए हैं और ये कौन से धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे ही बाकी और भी लोग हैं इसका मतलब ये है कि जो गड़बड़ हो रही है उसको भक्त नहीं देख पाता जो कुछ नहीं जानता है उसको थोड़ा सा बताया जाता तो उसको लगता है कि बस जो उन्होंने बता दिया यही मेरे गुरु हैं ये समस्या हमने यहाँ भी देखी वाम सेब का एक धड़ा टूट के आया कास्ट के ऊपर उसने दिल्ली में काम शुरू किया काम जहाँ से उसने शुरू किया उसने बहुत बेसिक लोगों को पढ़ाना शुरू किया अच्छा काम किया घर घर जाते थे लोगों को समझाते थे ये ज्योतिबा फूले हैं ये साहू जी महाराज हैं ये डॉक्टर अम्बेडकर हैं बुद्ध को नहीं पढ़ाते थे वो लोग बुद्ध से थोड़ा सा दिक्कत थी क्योंकि उनके लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे बाकी लोगों को पढ़ाते थे और घर घर जाकर कर उन्होंने पढ़ाया उसके परिणाम ये हुए कि लोग समझे जाने पर जैसे वो पढ़ गए तो जब उनको और लोगों के साथ जुड़ना था वहाँ गुरु जी आड़े आ गए पढ़ाने वाले ही आड़े आ गए वो पढ़ाने वालों ने अपनी शर्त रख दी पहले हमको मान्यता दो पहले हमको नेता मानो फिर हम कहीं बात करेंगे और हमारे नीचे आओ सारे सारे अब जो बहुत बड़ा काम कर चुके हैं पहले से ही साठ साल से सत्तर साल से वो नीचे आने को तैयार नहीं और जो छः सात साल से दस साल से काम कर रहे हैं वो अगर नीचे आओ तो ये नीचे ऊपर आने का जो होता उससे हुआ ये कि गुरुजी ने अपने चेलों को शपथ दे दी उनको कसम दे दी कि आप कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं ना कहूं सब लोग आपका फायदा उठाएंगे सब लोग आपको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे आपने कहीं नहीं जाना वो अकेले पड़े हुए हैं ऐसे बहुत लोग हैं जो अकेले पड़े हुए हैं तो काम किसका कर रहे हो ज्योतिबा फूले का बुद्ध का साहू जी महाराज का या अपना ये उनको सोचना चाहिए जो बाकी लोग हैं कि काम किसका कर रहे हो भाई नाम तो ले रहे हो महापुरुष का विचार बता रहे हो महापुरुष का और कब आपने अपना विचार और अपना एजेंडा उस महापुरुष के एजेंडे में मिक्स करके परोस दिया उसको बेचारे को क्या पता जो सीधा साधा है जब तक उसे पता चलेगा तब तक तो उसकी आंख बंद हो जाएंगी पचास साल की उम्र में तो पढ़ना सीखता है साठ साल तक उसको समझ में आता है तब तक वो तुम उसे अपने बाड़े में बांध लेते हो तुम उसे कसम दिला देते हो और वो भी बेचारा इतना लॉयल है इतना बहुत ज़्यादा अपने गुरु के प्रति इतना भक्त है इतना अपने गुरु के प्रति जो कहते हैं विश्वास पात्र है उसका इतना अनुयायी है कि वो भी गुरुजी को वचन दे देता है कि गुरुजी जब तक तुम कहोगे नहीं मैं कहीं जाऊंगा नहीं चाहे कोई कितना ही बुलाए चाहे कोई कितनी अच्छी बात बताए बच जाएगा नहीं क्योंकि गुरु का एहसान है गुरु का गुरु का तो अपमान हो जाएगा एहसान कैसे उतारे तो वो यही सोच के कि गुरु ने मना कर दिया नहीं जाना गुरु का एहसान उतर गया ये गुरु चैली की परंपरा दिक्कत करती है समन संघ ने यहाँ बहुत सारी बातों को समझा और बहुत सारी बातों को जाना इसलिए हम ये कहते हैं कि हम विचार नहीं देते हम विचार देंगे फिर अपना कुछ मिक्स करेंगे उसमें फिर आपको बांधेंगे और लोगों को कहेंगे बंध जाओ तो वो फिर गुलाम बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी इसलिए समन संघ कहता है कि आप अपनी पहचान बताओ पहचान क्या है आपकी तो धार्मिक पहचान नहीं चाहिए आपकी तो आपकी राजनीतिक पहचान भी नहीं चाहिए तो आपकी सांगी, जो संगठन वाली पहचान है वो भी नहीं चाहिए तो आपकी जातिगत पहचान भी नहीं चाहिए क्योंकि जाति व्यापारिक पहचान होती है तो आपकी व्यापारिक पहचान भी नहीं चाहिए इन सबसे ऊपर जो पहचान है जहां तक आप पहुंच नहीं रहे हो वो बताओ वो क्या है आपका व्यापार जो करते हो वो आपका काम है हम उसकी पहचान का क्या करेंगे व्यापार तो बदलता रहता है आपका जो धर्म है आपका धम्म है आपका मत है आपका संत है आपका गुरु है गुरु आते हैं जाते हैं बहुत सारे आएंगे बहुत सारे चले गए बहुत सारे लुप्त हो गए चार हज़ार दो सौ है पूरी दुनिया में मत मतांतर कितने को तो कोई जानता भी नहीं नाम भी नहीं जानते गुरु आते रहते हैं जाते रहते हैं वो छोड़ो उसको वो आपकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है हमें उस मत में नहीं जाना आपकी क्षेत्रीय पहचान आपकी राष्ट्रीय पहचान हमको नहीं चाहिए वो बदलती रहती है आप क्षेत्र बदल दोगे आपकी क्षेत्रीय पहचान बदल जाएगी आप राज्य बदल दोगे राज्य पहचान बदल जाएगी आप देश बदल दोगे देश पहचान बदल जाएगी आपके बच्चे कहीं और पैदा हो जाएंगे आपकी मूल निवासी पहचान बदल जाएगी वो भी नहीं चाहिए हमको आपकी भाषागत पहचान भी नहीं चाहिए पहले आपकी भाषा पाली थी आज आप पाली और संस्कृत मिला के बोलते हो संस्कृत भाषा हो गई आपकी आज आप उसे हिंदी के नाम से बोलते हो फिर उर्दू भी बन गई है फिर गुरुमुखी भी बन गई है वो भाषा वाली पहचान भी नहीं चाहिए आपकी हमें आपकी जन्मजात पहचान चाहिए जो आपको नेचर ने भारत के अंदर दी है और नेचर मतलब जो संग में रहने की साथ साथ रहने की समता में रहने की जो पहचान है जिसको आप समण बोलते हो वो चाहिए हमको आप बताओ कि आप समण हो और जो उसके विपरीत है यानी जो वम है या वमण हो दोनों में से एक डिसाइड कर लो दोनों हैं को बदल नहीं सकता चाहे देश में जाओ चाहे विदेश में जाओ चाहे मर जाओ मरने के बाद भी लोग यही कहेंगे सुधीर राज सिंह समण अनंत काल तक मेरा नाम सुधीर राज सिंह समण ही रहेगा कभी सुधीर राज सिंह वमण नहीं हो सकता वो पहचान जो अटल है जो अजर है जो अमर है जिसे कोई छीन नहीं सकता जो कभी खत्म नहीं होती जो जन्म से मिलती है जिसे कोई दे नहीं सकता वो पहचान चाहिए आपके बौद्ध होने की पहचान नहीं चाहिए क्योंकि 2600 साल बाद आप बौद्ध हुए हो तो आप बौद्ध हो गए और फिर बीच में खत्म हो गए तब बौद्ध नहीं थे अबौध हो गए और फिर बौद्ध हो गए फिर अबौद्ध हो गए चलता रहेगा कार्यक्रम कोई और मत आ सकता है कोई और नाम आ सकता है आपकी ईसाई होने की नहीं चाहिए आपकी व्यापारी होने की नहीं चाहिए तो वो पहचान चाहिए समर इस पहचान से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पर बड़े कमाल की बात यह है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि समण हमारी पहचान है उन्हें ये तो पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे उल्टे हैं जो वम हैं उनकी पहचान वमण है उसको हम ब्राह्मण बोलते हैं ये तो सबको पता है आप बाम सेफ की कृपा से बाम सेफ ने पूरे जीवन सिर्फ वमन और वम विचारधारा का प्रचार किया पूरे जीवन सर शत्रु को लोग जल्दी पकड़ लेते ना अगर मान लो आपको ये बता दी जाए कि ये आपका दुश्मन है तो आपके माइंड में जल्दी पेनिट्रेट होता है दिखाई देता है पर ठीक है आपने शत्रु को बताया तो कम से कम अपने तो, अपने लोगों को तो बताते सौ में अगर पाँच लोग वमर थे तो पिच्चानवे क्या थे ये तो बताते पिच्चानवे को वो कभी बोलते हैं बहुजन अब बहुजन तो संख्यावाचक शब्द है सौ में से क्या वनोगे बहुजन हो गए सौ में से अगर पचास पचास रह गए तो सम बराबर बराबर हो गए और अगर उनचास और इक्यावन हो गए तो अल्पजन हो गए ये तो बहुजन ये तो बहुसंख्यावाचक है और आज तक आप बहुजन नहीं बने ये साहब काशीराम जी ने साफ कहा है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी तो बनाई पर बहुजन नहीं बना पाए वो ये साफ़ कहा है इसका मतलब बहुजन नहीं बना पा रहे हम लोग सारे लोगों को नहीं इकट्ठा कर पा रहे तो कुछ लोगों ने आगे बढ़ के कदम साहब काशीराम जी की बात को काटते हुए क्योंकि काटनी जरूरी है ना अगर साहब काशीराम जी के मिशन को फेल करना है तो पहले उनकी बात काटो तो उनकी बात काटते हुए कह दिया मूल निवासी हैं हम कहाँ से लाए ढूंढ के ये सोच के है कि हमारा बर्थ यहाँ का है मूल यहाँ का है तो हम मूल निवासी हैं एक मायने में ठीक हो सकता है पर अब तो आप दुनिया कूद के चले गए आपकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी अमेरिका में है और इंग्लैंड के अंदर रह रही है अंग्रेज़ों के साथ बहुत लोग चले गए जिन्होंने वहाँ कार चलाई जिन्होंने वहाँ पर टैक्सियाँ चलाईं और वो वहीं के बासिंदे हो गए और वो अब उनका मूल निवास वहाँ हो गया और उनके बच्चों के तो मूल निवासी भी वहाँ के हो गए यानी आपका मूल निवास हुआ जो बच्चे आपके पैदा हुए वहाँ का मूल निवासी हो गए तो मूल निवासी कंसेप्ट बदलता रहता है मूल निवासी बदलती रहती है पूरी दुनिया में तो मूल निवास नहीं चल सकता पर समण नहीं बदलता कहीं भी चले जाओ चाहे कहीं पैदा हो जाओ चाहे कहीं रहो समण सम नहीं रहेगा इस पहचान को कहीं कोई छुपी हुई पहचान नहीं है अगर पिचानवे लो, लोग सौ लोगों में से पाँच लोग वमण थे तो पिचानवे लोग क्या थे ये कभी सोचा नहीं गया और बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ कहा कि हम लोग श्रमण सभ्यता के लोग हैं और वो लोग वमण संप्रदाय के लोग हैं इस शब्द को ठीक कर लें हम हम सभ्यता हैं हम कल्चर हैं वो लोग खाली संप्रदाय हैं ना वो कल्चर हैं और ना ही वो सभ्यता हैं यानी ना वो संस्कृति हैं संखति हैं और ना ही वो सभ्यता हैं क्योंकि बाहर से आए हुए लोग के साथ जो इकट्ठे होते वो हैं वो संप्रदाय बनाते हैं वो सभ्यता कल्चर नहीं बना सकते वो यहाँ की सभ्यता को और यहाँ की जो कल्चर संस्कृति होती है उसमें वो मिक्सिंग करते हैं ये दुनिया का नियम है इसलिए दो प्रकार की संस्कृति नहीं है दो प्रकार की सभ्यताएँ नहीं है सभ्यताएँ मूल एक ही होती है उसमें मिक्सिंग करके लोग उस पर कब्जा करके अपना नाम लिखवा सकते हैं पर वो जाती नहीं कहीं भी इसलिए श्रवण सभ्यता और श्रवण कल्चर यहाँ आज तक एग्जिस्ट करती है पांच लोगों को छोड़ के जो ये पिछच चारवें लोग हैं जो नब्बे लोग हैं उनका जो सभ्यता है उनकी जो कल्चर है वो समण है चाहे भले आप किताबों में कितना नाम बदल दो चाहे कुछ भी नाम लो और जो पांच लोग हैं वो संप्रदाय हैं वो छोटा सा ग्रुप है ऐसे छोटे छोटे ग्रुप भारत के अलग अलग कोनों से घुसे एक जगह से नहीं घुसे मंगोल से ले और इधर सीरिया से ले उधर यूरेशिया से ले उधर ईरान से ले इन सभी जगहों से समुद्र के रास्ते से लेके लोग इसमें कभी ना कभी टाइम पे टाइम टाइम टू टाइम टाइम टू आते रहे हैं और वो आते रहे हैं तो वो संप्रदाय हैं वो संस्कृति नहीं है संस्कृति तो उनके कंट्री में रह गई जहाँ है सभ्यता उनके कंट्री की है वो जो साथ ले आए हैं वो संस्कृति और वो सभ्यता यहाँ नहीं मान्य हो सकती हम यहाँ से जाएँ और जाके हम ये कहें कि अमेरिका के अंदर इंग्लैंड के अंदर कि भई ये तुम्हारा जो इंग्लिश कल्चर है जो तुम्हारी इंग्लिश संस्कृति है अब इसे ख़त्म करो अब हम आ गए हैं अब हमारी भारतीय संस्कृति या भारतीय कल्चर या जो समृद्ध कल्चर वो चलेगी तो नहीं चल सकती हम वहाँ संप्रदाय ही रहेंगे हम एक ग्रुप ही रहेंगे चाहे वहाँ कुछ भी करें चाहे वहाँ हम राज कर लें बेशक पर हम वहाँ रहेंगे संप्रदाय ही और अगर हम राज करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये इंग्लिश संस्कृति जो है अब ये इंग्लिश नहीं है इंग्लिश और हिंदी मिला के अब ये हिंग्लिश हो गई है ऐसा बोलेंगे पर वो हमारी कल्चर हमारी सभ्यता नहीं होगी वो हम उनकी सभ्यता उनकी कल्चर में मेहमान होंगे घुसपैठिए होंगे जबरन कब्जा कर रहे होंगे या प्यार से कर रहे होंगे या भ्रम करके कर रहे होंगे पर मूल नहीं है हमारा मूल हमारा हमारे ही यहाँ है जहाँ से हम समण हैं ये समण संघ है ये समण कल्चर है ये समण पहचान है इसलिए जो लोग अपने अपने मतों पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है आप अपने मत को मानते हैं बौद्ध मत को मानते हैं उसको बढ़ाइए बहुत बढ़िया है अंबेडकर मत को मानते हैं बढ़ाइए बहुत अच्छा है साहू मत को मानते हैं बढ़ाइए बहुत बढ़िया है कबीर मत को मानते हैं बढ़ाइए बहुत बढ़िया है आप किसी भी मत को बढ़ाइए सारे मत समण मत हैं पर जब आप विहार बनाते हैं तो क्या आप जातिगत अलग से ग्रुप बना के एक आइसोलेट जनरेशन में एक अलग से समुदाय बना के बनाना चाहते हैं क्या अगर आप बुद्ध बना बुद्ध विहार बनाते हैं तो उसमें आप रविदास का फ़ोटो नहीं लगा सकते संत श्रोवणी रविदास जी का फ़ोटो लगाने में दिक्कत आ रही है उसमें कबीर साहब का फ़ोटो नहीं लगाओगे उसमें उसमें जो और हमारे मत हैं जो हमारे गुरु घासीदास हैं उनका फ़ोटो नहीं लगाओगे उसमें जो हमारे जो गार्ड के साहब हैं उनका नहीं लगाओगे नारायण गुरु का नहीं लगाओगे कितने सारे हैं तो क्या ये अनटचेबल हैं क्या आप भी औरों की तरह हो गए हो कि अगर बुद्ध बिहार है तो सिर्फ बुद्ध की बात होगी और किसी की होगी नहीं अगर कबीर भवन है तो सिर्फ कबीर की बात होगी और किसी की होगी नहीं अगर रविदास भवन है तो रविदास गुरु है तो उन्हीं की बात होगी और किसी की होगी नहीं अगर अगर गुरु घासीदास जी का सत्रहवें भवन है तो उन्हीं की बात होगी तो किसी की होगी नहीं तो आप में और जो सम्प्रदायिक झगड़े फैलाते हैं उनमें क्या अंतर है फिर तो आप में और उनमें आपकी कल्चर में उनमें कोई अंतर है ही नहीं और अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने किसी दुश्मन से या जिनको आप दुश्मन दुश्मन चलाते हैं उनसे सीखना है तो यही सीख लो कि आपके मंदिर आपके थूप आपके स्तूप उन्होंने कब्जा कर लिए और सारे देवता रखे उन्होंने वो बुद्ध को भी रखते हैं चाहे भले ही छोटा सा रखें वो सारे देवताओं को रखते हैं उनके यहाँ एक ही मंदिर में हर प्रकार का देवता मिलेगा आपको चाहे वो वैष्णव हैं चाहे चाहे वो जो शैल हैं वो हैं शैव शैव मत के हैं कोई से मत के भी हैं पर वो सबको रखते हैं पर आप नहीं रखते आपने तो इतनी कट्टरता अपना रखी है कि अपने ही समर्ण गुरुओं के गुरुद्वारे बनाते हैं गुरु भवन बनाते हैं और उसमें उन्हीं की बात करते हैं कोई और अगर उसकी बात करे भी तो भगा देते हैं आप बैठाते भी नहीं कह रहे हमारे इसमें कैसे बात होगी तो जीतोगे कैसे तो कैसे अधिकार प्राप्त करोगे जहाँ से अधिकार मिलने हैं जिस किताब से अधिकार मिलने हैं और जिस किताब को लोग माथे पर लगाते हैं भारत के अंदर वो चाहे भले उस किताब को माने या ना, ना माने पर वो इस बात को जानते हैं कि संख्या बल चाहिए और वो संख्या बल ले लेते हैं और आपकी किताब है आप जानते हो कि आपको संख्या बल चाहिए पर आप संख्या बल से दूर रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि जब तक भारत में सारे अम्बेड क्राइट नहीं होंगे तब तक हमें कोई अधिकार लेने की आवश्यकता नहीं है अरे भाई अधिकार पहले ले लो अम्बेड कराइट बाद बना लेना जब तक सारे बौद्ध नहीं बनेंगे तो आपको अधिकार लेने नहीं है इसे बौद्ध बनाने में ताकत लगानी है पर सारे मतों को अंगीकार करने में ताकत नहीं लगानी है आसान क्या है किसी के मत को बदलने में जीवन निकल जाता है और मत नहीं बदलता दुश्मन और हो जाता है आदमी पर किसी के मत के साथ जाने में वो व्यक्ति जीवन भर आपका हो जाता है आपका मत उसका और उसका मत आपका हो जाता है आपकी संख्या बढ़ जाती है तो आपको अधिकार मिल जाते हैं तो आपको लेना क्या है आपको धार्मिक मान्यता चाहिए या आपको संवैधानिक मान्यता चाहिए या आपको बच्चों के लिए स्कूल चाहिए या बच्चों के लिए हॉस्पिटल चाहिए या अपने लिए नौकरी चाहिए या अपने लिए सुख सुविधा चाहिए या अपने लिए विकास चाहिए तय कर लो इसको समन संघ यही कहता है समन संघ ये कहता है कि सारे इकट्ठे हो जाओ उसके बाद जो चाहोगे वो समन संघ देगा जुड़ेंगे जीतेंगे जो जुड़े हैं वो जीते हैं और अब तो एक बात और भी है जिन्होंने जोड़ लिए वो जीत गए नहीं समझ में आता तो देख लो पार्लियामेंट के अंदर जिन्होंने जोड़ लिए वो जीत गए संख्या बल कम है पर जिन्होंने जोड़ लिए वो जीत गए और जो नहीं जोड़ पाए वो खड़े खड़े रह गए खत्म हो गए थक गए देख लो बहन मायावती जी को जोड़ नहीं पाई तो दो परसेंट वोट रह गया अब तो हम जो डाटा है वो बता सकते हैं तो जोड़ोगे तो जीतोगे और नहीं जुड़ोगे तो संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता और धार्मिक जो वो है अधिकार है उसे संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता भूल जाइए इस बात को वो बहुत पुराने समय की बात थी जब संवैधानिक अधिकार धार्मिक अधिकार के रूप में लोग लिया करते थे धार्मिक मत ही संवैधानिक मत हुआ करता था क्योंकि धर्म सत्ता चलती थी धर्म सत्ता में धार्मिक अधिकार में धर्म मत को ज़्यादा बढ़ाने के लिए लोग बुढ़ा भाग करते थे क्योंकि तब धार्मिक सत्ता आपके अधिकारों को तय करती थी पर अब संवैधानिक सत्ता तय करती है और संवैधानिक सत्ता में बहुजन संख्या बल चाहिए ही चाहिए उसको आपको लेना ही पड़ेगा ये फैसला आपने करना है इसलिए समण संघ बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहता है अरे उनतीस लाख संगठनों के मालिकों अरे अलग अलग धम चलाने वाले भिक्कुओं अरे अलग अलग मत चलाने वाले संतों अरे अलग अलग सं, ये संतों को मानने वाले संतों के अनुयायियों अरे अलग अलग बौद्ध संस्थाओं को बुद्ध विहारों को भवनों को चलाने वाले नेताओं जो प्रधानों अध्यक्षों जो जो राजनीतिक संगठन चलाते हो अलग अलग पार्टी चलाते हो अलग अलग चलाने वाले अध्यक्षों पार्टियों अरे तुम अगर अक्लबंद हो तो इतना तो सोच लो कि संविधान के अंदर संख्या बल चाहिए इसे भी पढ़ाने के लिए कि टूटर चाहिएगा इसके पढ़ाने के लिए क्या प्रिंसिपल चाहिए इसके पढ़ाने के लिए भी क्या लोग ऊपर से आसमान से उतर के आएंगे इतना भी समझ में नहीं आता और देख के भी समझ में नहीं आता तो क्या माने तुमको फिर मैं कुछ कहूँगा तो कहेंगे जी गाली पकते हमको तो गाली पकते गाली भाई हम गाली नहीं पक रहे अब हमने गाली बकनी बकनी बंद कर दी है कोई फायदा नहीं होता तुम्हें तो तो गाली तुम तो गाली भी पचा जाते हो पर बाकी जो लोग हैं उनसे ये कहेंगे कि भाई स्थिति बहुत विकट है स्थिति कोई इतनी अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा खराब है जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे जो जुड़े हैं वो जीते हैं जहाँ जुड़े हैं वहाँ जीते हैं जब जुड़े हैं तब जीते हैं जैसे जुड़े हैं वैसे जीते हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो ख़त्म हो गए हैं पहले भी खत्म हुए थे अभी भी ख़त्म हो रहे हैं और आगे भी खत्म होंगे इसलिए जिद्द जुड़ने की है जुड़ेंगे जीतेंगे समन संघ बहुत अच्छा जा रहा है बहुत बढ़िया चारा है किसी को अगर लगता है कि समन संघ का विचार अच्छा है तो तुरंत काम करना शुरू कर देना चाहिए और किसी को लगता है कि समन संघ के विचार में कोई कमी है तो अभी मेरे बाद में खूब सवाल जवाब करें अपना हैंडरेज करें बातचीत करें और बताएं क्या कमी है क्या नहीं है समझ संग इसको दूर दूर कर लेता है संग नमामि संगम नमामि संग नमामी मेरे अगर किसी बात में कोई गलती हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ संग मुझे माफ़ करे संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे